नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइक कर देना है, अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है, पॉजिटिव बातों को सोचना है। देखते हैं आपके पर्सन की इस वक्त क्या एनर्जी है। ठीक है, सबसे पहला ही कार्य यहाँ पर द बर्डन है। किस बात का बर्डन ले रहे आपके पर्सन? कोई तो ऐसी बात है इस इंसान के ऊपर, मे बी इस इंसान के परिवार की जिम्मेदारियाँ इस इंसान के ऊपर हो सकती हैं, या अगर ये इंसान फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं है इनकी लाइफ में, तो हो सकता है कि इस इंसान को लगता है कि वो आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। कोई तो ऐसी बात है जो इस इंसान को अंदर ही अंदर खाई जा रही है कि वो आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, या अपने परिवार की जिम्मेदारी से इंसान जैसे कि किसी बोझ तरह जैसे कि दब चुका है। ठीक है, इस इंसान के दिल पर कोई बोझ हो सकता है, या ये इंसान जहाँ पर काम करता है वहाँ पर इस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। कुछ तो ऐसी बात है जिसके बाद आपके पार्टनर को एक थका हुआ सा, हारा हुआ सा, बहुत जैसे बोझ जैसा फील होने लगा है। नंबर 6 यहाँ पर आया है। आपके पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन वो इंसान को लगता है कि नई शुरुआत हो नहीं पा रही है। चाहे कोई भी ऑब्स्टेकल्स हो, चाहे जो कोई भी सिचुएशन हो आप दोनों के रिश्ते में, आपके पार्टनर एक नई शुरुआत चाहते हैं और बहुत फायरी हो सकते हैं आपके पर्सन। एरिज, लियो, सैजिटस हो सकते हैं, या आप में बहुत फायर हो सकती है, आप में बहुत गुस्सा हो सकता है। इस वजह से हो सकता है कि आपके पर्सन ज़रा मतलब डरते हो आपसे बात करने से, ऐसे भी हो सकता है। और क्या है, देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन इस एनर्जी में है कि अगर ये इंसान दो दो पत्थर पर पाँव देने की कोशिश कर रहा था, तो ये इंसान उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है, उस कन्फ्यूजन से बाहर निकलना चाहता है। यहाँ पर मोमेंट टू मोमेंट है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि आपके पर्सन के लाइफ में कुछ तो ऐसी द्विधा परिस्थिति है कि इंसान कोई सही डिसीजन नहीं ले पाता है। हार्मनी चाहते हैं आपके पर्सन, देखो ना कि सिर्फ ये रिश्ता संवारना चाहते हैं, तो वो अपने ज़िंदगी में सारी हार्मनी चाहते हैं। जो खुशियाँ आपके पार्टनर को आज तक नहीं मिली है, वो सारी खुशियाँ आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पहला ही कार्ड बता रहा था कि इस इंसान के ऊपर कोई जिम्मेदारी हो सकती है, कोई बोझ हो सकता है। ठीक है, क्लैरिफाई कर लेते हैं। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना जैसे कि कोई रिस्क है। ठीक है, या इस इंसान ने पहले बहुत गलतियां कर दी है, ठीक है, और अब इस इंसान को डर लगता है कि वो मतलब एक एक कदम बहुत सोच समझ कर रखना चाहते हैं। आपके पार्टनर कोई रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं। यहाँ पर दी फूल की एनर्जी है। हो सकता है कि आपने इस इंसान को बहुत समझाया था पास्ट में, लेकिन इस इंसान ने आपके ज़रा भी नहीं सुनी और ये इंसान गलत डिसीजन लेता रहा, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। आपके मतलब जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी आई है, आप अगर मिल गए तो उस इंसान का ड्रीम ही कम्प्लीट हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर, बहुत कम लोगों के साथ ही रेजोनेट होगा कि हो सकता है आपकी ऑनलाइन मुलाकात हुई हो, या ऑनलाइन बहुत ज़्यादा बातें हो रही हो, या ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है कि आपके पर्सन को लगता है कि आप मतलब एक कंप्लीट हो आप। ठीक है, दी लवर्स, आपके पार्टनर को क्यों डर लगता है? देखो यहाँ पर मोमेंट टू मोमेंट है, उसको क्लैरिफाई किया तो दी लवर्स रिवर्स में आए हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर ये इंसान दो दो पत्थर पर पाँव देगा, तो वो अपने सच्चे प्यार को खो देगा। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि आपके पार्टनर ने आपसे ज़्यादा किसी और चीज़ को इम्पोर्टेंस दी थी पास्ट में। ठीक है, वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है जिसमें इस इंसान ने आपसे ज़्यादा किसी और चीज़ को इम्पोर्टेंस दिया है। अगर ऐसा कुछ हुआ है, तो आपके पार्टनर के मन में एक डर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इस इंसान को लगता है कि इसने तो आपको उस वक्त इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो पता नहीं अब आपके दिल में ये इंसान रहता भी है या नहीं, पता नहीं अब आप उनसे प्यार करते भी हो या नहीं। जो कुछ भी एनर्जी है, आपके पार्टनर के मन में डर तो है। हार्मनी को क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर नंबर 6 यहाँ पर 2 बार आया है। ठीक है, देखो गाइस, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कुछ बातें ऐसी हैं जो शेयर करना चाहते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं उनके मन में जो वो आपके साथ या किसी और के साथ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। कोई तो ऐसी सिचुएशन है कि इंसान आपसे शादी भी करना चाहता है, वो इस प्यार में आगे भी बढ़ना चाहता है, और उनके दिल में आपके लिए इमोशंस ही इमोशंस है, प्यार ही प्यार है, वो लेकिन शेयर ही नहीं कर पा रहे, अपने दिल की बातें दबा के रख रहा है। और जो ये इंसान शेयर नहीं कर पा रहा है, तो इसकी वजह से इस इंसान को खुद ही तकलीफ हो रही है। आपके पार्टनर को वो सारी बातें शेयर करनी चाहिए जो वो नहीं कर पा रहे हैं। और देखते हैं, देखो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है, और इस इंसान के दिल में आज भी आपके लिए इमोशंस हैं। आप मानो या ना मानो, इंसान आपसे प्यार करता है,
और जिस तरह से यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, जैसे कि मैंने पहले बोला कि बहुत कुछ शेयर तो करना चाहते हैं लेकिन अपनी फीलिंग्स को दबाने की कोशिश कर रहा है इंसान, अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रहा है। मुझे यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी जो बता रही है, आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन छुपाते हैं, ठीक है, किंग ऑफ सोर्स। और उनकी जो छुपाने का, मुझे बहुत ऐसी एनर्जी आ रही है कि वो इंसान जो छुपाता है उसका मे बी ऐसा हो सकता है, या तो कोई थर्ड पार्टी है, इनकी मदर सिस्टर कोई भी हो सकता है, उनको डर डर के इंसान ऐसा कर रहा है, या तो इस इंसान को आपके गुस्से का डर लगता है। दो बातें हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसकी वजह से आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर पाता, सारे दिल की बातें शेयर नहीं कर पाता, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके ही गुस्से से डरते हैं। उनको लगता है कि अगर वो आपके पास आएंगे, दिल की बात रखेंगे, तो आप गुस्सा करोगे, नाराज़ हो जाओगे आप, तो इस वजह से भी आपके पर्सन के मन में एक डर सा है। लिब्रा एक्वेरियस जेमिनाई की एनर्जी यहाँ पर आई है। देखो गाइस, जबकि वो इंसान एक नई शुरुआत करने के लिए तड़प रहे हैं, ये सब पेंटेकल्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर के मन में तो ऐसा भी ख्याल आता है बार बार कि आप एक ईश्वर का दिया हुआ तोहफा हो उनके लिए, और वो इंसान इस तोहफे को खोना नहीं चाहता है। जिस कदर यहाँ पर एस ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी आई है, आपके पार्टनर एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई है कि आपके पर्सन तड़पते हैं एक नई शुरुआत करने के लिए। और देखो कितना ज़्यादा गुस्सा है, किसके अंदर इतना गुस्सा है, या तो इस इंसान के अंदर बहुत गुस्सा हो सकता है या आपके अंदर बहुत गुस्सा हो सकता है। कोई एक दूसरे के पीछे भागता रहा है और कोई एक दूसरे को इग्नोर करता रहा है, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। लिब्रा एक्वेरियस जेमिनाई की एनर्जी है। देखो जिस कदर यहाँ पर एनर्जी आई है, आपके पर्सन की रातों की नींद उड़ चुकी है, फोर ऑफ सोर्स की एनर्जी है। और जैसे हालात है, ये इंसान नेगेटिव सोचने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा है, अपने आप उस इंसान के मन में नेगेटिव थॉट्स आते जा रहे हैं। वापस लिब्रा एक्वेरियस जेमिनाई, और क्या है, देखो टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर दो बार आई है, पहले भी द बर्डन, वापस वही एनर्जी, और ये इंसान जिम्मेदारियों के बोझ तले जैसे कि दबता जा रहा है अपनी फीलिंग्स को। हो सकता है इस इंसान ने इसलिए दबाया हो कि ताकि वो अपने जो कर्तव्य हैं, चाहे उसके परिवार के प्रति हो, चाहे उसके जहाँ पर वो काम करते वहाँ जो कुछ भी उनको कर्तव्य पार करने थे, जो कुछ भी उनकी जिम्मेदारियाँ थी, उन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते इंसान जैसे कि थक चुका है। और इस इंसान के मन में एक डर भी है कि क्या ये रिश्ता सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, जबकि वो रिश्ते की नई शुरुआत तो चाहते हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, टेन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पर, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा, टेन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर एरिज लियो सैजिटस राशि है, ठीक है, यहाँ पर देखो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इस इंसान का पैसा रुका हुआ हो सकता है, इस इंसान को आपकी तरफ आना भी है, लेकिन इस इंसान को पहले उस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है जहाँ पर वो अटक चुके हैं। और जबकि आपके जो पार्टनर है वो आपको एक ऑफर करना चाहते, स्ट्रांग ऑफर करना चाहते, लेकिन अटक चुके हैं, स्टक हो चुके हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं। इस इंसान का दिल कहता है कि वो दौड़कर भागकर आपके पास आए और वो आपको बताए कि वो आपसे कितना प्यार करता है। इस इंसान का दिमाग कहता है कि वो स्टेबल नहीं है, ठीक है, उसके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, वो सेटल नहीं है, वो कैसे आगे बढ़ेगा, वो कैसे शादी की बात करेगा। कुछ तो ऐसी द्विधा परिस्थिति आपके पार्टनर के आज बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। और बॉटम में देखो फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मुझे तो यहाँ पर बहुत ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं कि आपके पर्सन आपसे शादी तो करना चाहते हैं, द हर्मिट की भी एनर्जी यहाँ पर आई है, बहुत गहराई से सोच रहे हैं, अपनी गलतियों पर भी सोच रहे हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन इस इंसान को लगता है कि उसके लाइफ में वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, या कोई घर का इशू हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को बड़ी हैरानी बड़ी बेचैनी हो रही है। फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आपके पार्टनर ना आपको बहुत ज़्यादा एक हैप्पीनेस से भर देना चाहते हैं, बहुत खुशियाँ देना चाहते हैं वो आपको, वो ना कि सिर्फ आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं कि सारी ज़िंदगी आपको खुश रखना चाहते हैं। ये सबसे अच्छी बात यहाँ पर आई है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ देना चाहते हैं। और फायर साइन, वापस यहाँ पर फायर साइन है एरिज लियो सैजिटस हर्मिट की एनर्जी जो यहाँ पर बॉटम में आई है। देखो अब तक ये इंसान गलतियाँ करता रहा है, लेकिन अब उन गलतियों पर गहराई से सोच भी रहा है, और ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आई है। और बॉटम में हो सकता है कि वो दोनों की गलतियों पर सोच रहे हैं, अपनी खुद की गलतियों के ऊपर भी सोच रहे हैं और आपकी गलतियों के ऊपर भी सोच रहे हैं कि किसने क्या गलती की, ठीक है, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अब आपकी एनर्जी देख लेते हैं, नंबर फोर खास हो सकता है आपके लिए, राहु का नंबर है, बहुत ओवर थिंकिंग हो सकती है आपकी या आपके पार्टनर की। अब देखते हैं
मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी क्या हालत है, तीन कार्ड्स निकालेंगे आपके लिए, किस हाल में है मेरे जो व्यूवर्स है, क्या चल रहा है आपके दिल दिमाग में। सबसे पहला कार्ड, आप नसीब के बारे में कितना सोच रहे हो, आपको डर लगता है कि ये इंसान आपके डेस्टिनी में है कि नहीं है। एक तो आप ना चाहते हो कि जल्द से जल्द ये वक्त का पहिया घूमे, अब आपसे ये बर्दाश्त नहीं होता, आप थक चुके हो, इंतज़ार कर करके थक चुके हो, या चाहे आपकी खुद की ज़िंदगी में जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं आप उनको दूर करना चाहते हो। मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही कि आप में से ज़्यादातर लोग यहाँ पर जल्द से जल्द रिकन्सिलेशन चाहते हो और आप थक चुके हो। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि आपने नसीब के ऊपर छोड़ दिया है, आपको डर लगने लगा है कि इंसान आपके नसीब में है कि नहीं है, आपके मन में बहुत ज़्यादा थॉट्स ऐसे ही आते हैं। समय का चक्र जल्द से जल्द घूम जाए ऐसी आपकी तमन्ना है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, देखो पहले भी फोर नंबर आया है, वापस फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है। देखो गाइस, आप में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि आप चाहते तो हो रिकन्सिलेशन, आप चाहते तो हो रियूनियन, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि इंसान तो कुछ बात ही नहीं करता। ठीक है, हो सकता है कि इंसान अपनी फीलिंग्स को दबा रहा, तो आप खुद भी वही कर रहे हो, आप भी अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हो, अपनी चाहत को दबा रहे हो। आपके भी मन में बहुत ख्याल आते हैं कि आप उनसे बात करें, लेकिन आप करते नहीं हो। जैसे कि आपके पार्टनर भी चाहते हैं बहुत कुछ बातें आपसे शेयर करना, लेकिन वो करते नहीं हैं। और सेम एनर्जी यहाँ पर वही है कि आपके भी मन में ऐसा ख्याल आता है कि आप खुद ही क्यों बोले। ठीक है, मतलब हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके बात करने का इंतज़ार करते हैं और आप अपने पार्टनर के बात करने का इंतज़ार करते हो, और ऐसा करते करते कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। द हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर आई है। आप में से बहुत लोग मुझे बहुत स्थिर दिखाई दे रहे हो, मे बी आपने मेडिटेशन शुरू किया है, या आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान ने अपनी गलतियों को मानना चाहिए, आपको लगता है कि इंसान अपनी गलतियों को मानता नहीं है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप में से बहुत कम लोग ऐसे हो सकते कि आप अपने खुद की गलतियों पर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ना कि सिर्फ इस इंसान की गलतियों के ऊपर, तो आप खुद की गलतियों के ऊपर भी सोच रहे हो। आप अपने अंदर जाने की कोशिश कर रहे हो, आप ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हो, आप शांत रहने की कोशिश कर रहे हो। मे बी आप में बहुत गुस्सा हो सकता था, आपको लगता है कि आप नहीं गुस्सा करना है, आप शांत रहना है, ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं। नंबर 9, एक कार्मिक साइकिल हो सकता है आपकी कंप्लीट हो रही हो, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं। आप में एक ठहराव जैसा कि आ गया है, पहले आप बहुत चल बिचल करते थे, पहले आपकी बहुत विधा परिस्थिति रहती थी, लेकिन आज आपके अंदर मुझे एक ठहराव दिखाई दे रहा है। और क्या सोच रहे हो आप इस इंसान के बारे में, आपको लगता है कि ये स्टक हुआ है, ये एक्शन नहीं ले रहा है, क्यों नहीं ले रहा है। देखो गाइस, आपको जैसे मैंने पहले भी बोला कि आपकी सिचुएशन आजकल ऐसी है कि आप भले स्टक हो, ठीक है, लेकिन आप में ना रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत कुछ समझ पा रहे हो। ठीक है, अगर आप इस इंसान को समझ नहीं पा रहे थे, अगर आप इस इंसान के हालात को नहीं समझ पा रहे थे, जैसे कि हमने देखा कि वो इंसान बहुत जिम्मेदारियों की तरह जैसे कि दब चुका है, ठीक है, कोई बोझ हो सकता है, तो जैसे मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही कि आजकल आप भले ही परेशान हो, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं, आप परेशान हो, आप रिकन्सिलेशन चाहते हो, आप वक्त को, आप चाहते हो कि जल्द से जल्द वक्त का पहिया घूमे, आपको डर भी लगता है कि आप एक दूसरे की डेस्टिनी में हो कि नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद आपके मन में एक ठहराव मुझे दिखाई दे रहा है। उसके बावजूद आप बातों को समझ पा रहे हो, रियलाइज़ कर पा रहे हो, इस इंसान की गलतियों को समझ पा रहे हो, खुद की गलतियों को समझ पा रहे हो कि क्या कैसे और क्यों हुआ और क्या नहीं होना चाहिए था। ये जो एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, आपके जो ऑरा है ना बहुत स्ट्रांग हो सकता है। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आपको जो देखे बस देखता रह जाए, आपका जो ऑरा है बहुत स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रहा है। सैक्रिफाइस की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप में से कुछ लोग ना डरते हो कि कहीं आपको आपके प्यार को सैक्रिफाइस ना करना पड़े किसी और के लिए। 9 of Cups की एनर्जी है, 9 नंबर की एनर्जी यहाँ पर बार बार आ रही है, हो सकता है 999 आपको दिखाई दे रहा हो। और यहाँ पर ना गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि जो 9 नंबर की एनर्जी यहाँ पर है, आप खुद से ज़्यादा ना दूसरों के बारे में सोचते हो, इतना ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हो कि कभी कभी ना आप खुद को ही भूल जाते हो, या इतना ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते सोचते आप खुद के लिए जीना भूल जाते हो। मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप में से बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं कि आपने दूसरों के लिए खुद का नुकसान बहुत किया है। ठीक है, ऐसे ज़िंदगी में आपके हालात आए होंगे कि दूसरों के लिए आपने अपना खुद का नुकसान कर दिया, और आपको इस बात का
मतलब इतनी तकलीफ भी नहीं है कि ठीक है जो होना था होगा, क्योंकि आपको दूसरों के लिए कुछ करना अच्छा लगता है, आपको सुकून मिलता है, आपको खुशी मिलती है जब आप दूसरों की मदद करते हो या आप जब दूसरों के काम आते हो, आपको बहुत सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। 9 नंबर की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या बता रही है कि आप विश फुलफिलमेंट भी चाहते हो, आप अपनी इच्छाओं को पूरा भी करना चाहते हो, इस इंसान को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, जो भी आपकी इच्छा है आप चाहते हो कि वो इच्छाएँ पूरी हो जाए। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग एनर्जी अगर है तो आप एक, मुझे आज पता नहीं क्यों आप में एक सुकून दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपका ऑरा मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई है। तो ये रही आपकी एनर्जी, अब देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, इस वक्त आपको यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आप कुछ करना तो चाहते हो लेकिन एक्शन लेने से डर रहे हो। जो भी आप अपने जीवन में करना चाहते हो ना गाइस, आपको एक्शन लेना चाहिए, वो चाहे आपके करियर के बारे में हो सकता है, चाहे रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है। आपको ऐसा लगने लगा है कि आप कितना भी कुछ कर ले मे बी, इसीलिए आप एक्शन नहीं ले रहे हो। बहुत ऐसी स्ट्रांग एनर्जी है कि आपको लगता है कुछ होगा नहीं, ठीक है, एक निगेटिविटी हो सकती है, एक डर हो सकता है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं। आपको यहाँ बताया जा रहा है कि आपने जो मेहनत की है, आपने जो कोशिश की है और आपको जो लगता है कि कुछ होगा नहीं, तो ऐसा नहीं है, आपको लेट गो नहीं करना है, ठीक है। आपको जो कुछ भी आप अपने जीवन में करना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, जिस भी काम पर आप फोकस करना चाहते हो, आपको करना चाहिए। आपको ना कि ये सोचकर आगे बढ़ना है कि कुछ हो नहीं रहा तो फिर ठीक है आगे बढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं है। और बॉटम में है लुक एट द बिगर पिक्चर, बड़ा सोचना है, बड़ा देखना है। मे बी कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में अटक रहे हो आप और बड़ा नहीं देख पा रहे हो। तो आपके लिए गाइडेंस तो यहाँ पर यही दी जा रही है कि छोटी छोटी चीज़ों में अटकने से अच्छा है कि आप कुछ बड़ा सोचो। सैजिटेरियस हो सकते हैं आप में से कुछ लोग, ठीक है। तो यही एनर्जी आज यहाँ पर आई है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।